देखो स्टार्ट कर देगा था। जो गलत चीजें थी उन लोगों उस चीजों को हम लोगों ने रिप्लाई दिया, थोड़ा सा गलत तरीके से वो रिप्लाई चला गया, बस उतनी चीज हुई हमारे साइड से। वो एक्चुअली एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए था हमको, बट क्या होता है ना हर बार लोग इनडायरेक्टली टारगेट करके हेट फैलाने का काम करते, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार रिप्लाई दे ही देते, बट ये सर रिप्लाई थोड़ा सा गलत वे में गया हम लोगों से। आई एग्री ऑन दैट गाइस, लेकिन एक चीज बोलता हूँ मैं तुमको, तुमको है ना एक टाइम के बाद जल रहे मैं बोल रहा ना, मेरी ये क्लिप आपके मोबाइल में गुस्सा दिलाने के खुद को, एक टाइम के बाद आपको रियलिटी पता चल जाएगी, आएगा वो टाइम 100% आएगा। आज की डेट भी रख लो याद, मैंने ये चीज बोली थी आज 10 फरवरी 2022 याद रखना ये डेट, और 2-3 साल रुको उसके बाद तुमको सारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाएगी। अय्या ये जो सब कुछ चल रहा है ना सब सब समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है कि ये जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम लोग कुछ चीज़ें, तो इसलिए हम लोगों ने पहले से ही एक चीज़ डिसाइड कर ली थी भाई गेम से करेंगे जो करना है, पर हाँ इतना तो है जो हमको उंगली करेंगे हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, सिंपल एज दैट। झुकना नहीं सीखा कभी हमने, कितना भी ट्राई कर लो, बट एक टीम के एक दिन के बाद तुमको जब रियलिटी दिख जाएगी ना कि भाई हम लोग ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे, क्या रीजन था, वो टाइम पे तुमको 100% सब समझ में आ जाएगा, बोलोगे कि अब भाई क्या था ये, मतलब जो हुआ ये टाइम पे हो जाएगा वो दिन भी। और मैं देखता हूँ ना बहुत सारी चीजें लोग लिटरली बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, ठीक है ये भी देखेंगे कौन किससे किसके गाने से क्या निकलता है कैसे निकलता है, हम लोग भी पसंद करते हैं लोगों को अकेला मिलना, हमको भी ऐसे सामने आके मुंह पे आके कोई ऐसी चीजें बोल देना हम लोग भी ऐसे मस्त दिखा देंगे भाई हम भी क्या है। स्नैक्स का स्वाद स्प्रे भाई, स्नैक्स गलत ही मारता है भाई, आज जो उन लोगों ने रेंगल में चिकन निकाला ना भाई, हैट्स ऑफ टू सेंसी, क्या मस्त जोन दिया उसने, दिलाया उसको मरने के बाद भी। यस ब्रो गिल को मिलेगा टाइम, मिलेगा गिल को फुल टाइम, इतने जल्दी तो होता नहीं है वैसे भी। मुझे लगा कल का स्प्रे देख के जोनाथन का फॉर्म है, अरे जोनाथन फॉर्म में ही है, हम लोगों का प्रैक्टिस नहीं है ब्रो, प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है ना, बिना प्रैक्टिस तो कुछ होता नहीं है। एंड वीरू भाई आपकी सैलरी किसी ने नहीं दी थी ये एक बारी मेरे को जरूर बताना व्हाट्सएप पे, मैं वेट करूंगा कि आपको सैलरी किसने नहीं दी थी और कब नहीं दी थी, ठीक है वीरू भाई कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, और अगर अभी आप एक्टिव हो तो अभी कॉल कर लेना, मैं स्ट्रीम पे ही हूँ, ठीक है। आपको सैलरी नहीं मिली थी, कहाँ से नहीं मिली थी, कब नहीं मिली थी, क्यों नहीं मिली थी, तो प्लीज लाइव टीवी में जब आपके पास 80-90 हज़ार लोग आपको देख रहे हो तो ये मत बोलना कि मेरे को सैलरी नहीं मिली थी, मुझे आपके किसी और मैटर से कंसर्न नहीं है, आपने बोला तो बहुत कुछ जो कि रॉक्स ने युवा ने आके मैंने बाद में देखा सब बताया क्या हुआ, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा था सोल की लाइनअप की तरफ, बट फिर भी मैंने सीधा गाली भरा कि तो मतलब ऑफकोर्स रॉक्स को और युवा को क्यों ही भरूंगा, क्योंकि वो तो मैंने यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट है सेड अमन इनसे पूछा, तो वैसा कुछ भी नहीं था। एंड भाई वीरू भाई अगर आपकी सैलरी लेट हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सबकी तरफ से, एंड प्लीज़ मुझे आज कॉल करके अपना अमाउंट भेज देना, मैं आपको सैलरी भेज दूँगा तुरंत, बट मैं वेट करूँगा आपका साहब का। सेंड योर ड्यूज विल सेंड टुडे, मॉटल भाई को मैसेज किया हुआ है, मैंने यार कुछ झूठ नहीं बोला था, किसी को पता है एसएस, बट आपको सच में ऐसा लगता है मेरे को सैलरी मिली तो गलत है, बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को पता नहीं था वीरू, मतलब मेरे को ये था कि तू तो मेरे से सारी बातें करता था ना, टीम में प्रॉब्लम्स टीम के इश्यूज, और मैं भी तेरे से सारी बातें करता था, तो सैलरी के लिए भी एक बार ही टेक्स्ट डाल देता ना मेरे भाई, ठीक है। मैं एग्री कर रहा हूँ इसमें मॉडल की 100% गलती है कि उससे मिस हुआ, इट डिड नॉट, बट इंटेंशन वो नहीं था जिस तरीके से बोला गया कि सैलरी नहीं मिल रही, इट वॉज शोन कि तेरे को सैलरी नहीं देने का इंटेंशन है ना, बाकी कोई बात नहीं भाई, आज ही अब भी मेरी स्ट्रीम खत्म होते होते ही इट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट, एंड मैंने पहले स्ट्रीम पे भी अपोलोजाइज किया था फॉर द डिले, जो गलती है वो हमारे एंड से है और उसको हम लोग एकदम 100% अपने ऊपर लेते हैं,
और दोबारा आई विल मेक श्योर कि किसी के साथ भी इस तरह की गलती ना हो. नो प्लेयर शुड बी लेट द मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, है ना. मैं बोल देता हूँ, मेरे को भी परसों ही पता चला. वीडियो कॉन्टैक्ट यू, अभी आया मेरे पास मैसेज, उसने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे. एक स्क्रीनशॉट है मॉडल को, एक टेक्स्ट किया हुआ है 15 जनवरी को, और उसके बाद सेड भाई से उसकी बातचीत चल रही थी. एंड मालूम नहीं, मतलब जो भी है गलती है इधर से, डिले करा या डिले हुआ, जो भी हुआ मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी एकदम. अभी करा देंगे, उसका सैलरी भी क्लियर. ये इंटेंशनली था, जस्ट सेइंग, जिस हिसाब से पोर्ट्रे हुआ कि सैलरी नहीं मिली, मिली मतलब कि मना करा गया, जो भी है. एनीवेज छोड़ो, रियलाइज हुआ तो उनको जो कल बहुत भाषण दे रहे थे, उनका उनका जो थक के साथ अकाउंट है, एक बार पूछना कि क्या हुआ था, वो बता देंगे आपको स्ट्रीम पे. अगर असली नहीं बताया तो मैं बता दूंगा क्या हुआ था.